स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी हमारे सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। बच्चों वीक 5 के बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ। क्लास है बच्चों हमारी फर्स्ट। सब टॉपिक है शेप्स। बच्चों शेप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स रिजेंबलिंग विद द गिवन शेप्स, मैच देम एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक। बच्चों आप सभी को यहाँ पे देखिए कुछ शेप्स दी गई हैं। इन शेप्स के रिलेटेड जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स हैं, जो देखिए सर्किल, सर्किल से कौन सा इमेज मिल रहा है, मैच कर रहा है, उसको आपको मैच करना है और अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। तो देखिए बच्चों, ये हमारी शेप है सर्किल। सर्किल शेप का क्या मैच कर रहा है? हमारी फुटबॉल। सेकंड है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर शेप का बच्चों क्या है यहाँ पे? डाइस, जिससे हम लूडो खेलते हैं। थर्ड वन इज़ ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप। ओके, ट्रायंगल शेप का क्या है बच्चों? पिज़्ज़ा। एंड फोर्थ इज़ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप का क्या है बच्चों? यहाँ पे हमारा ब्लैक बोर्ड। ओके, तो इसलिए हमने मैच कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर ड्रॉ दीज शेप्स बाय ट्रेसिंग द डॉट्स। आस्क योर फैमिली मेम्बर टू ड्रॉ डॉट्स इन द सेम वे इन योर नोटबुक एंड देन यू विल ट्रेस दीज डॉट्स टू मेक दीज शेप्स। देखिए बच्चों, आप सभी को अपने फैमिली मेम्बर्स में आप सभी को बोलना है कि वो इस तरह से डॉट्स बनाएं आपकी नोटबुक में और आप इन डॉट्स को मैच करके शेप्स बनाएंगे। तो पहली देखिए बच्चों शेप कौन सी है, डॉट्स को हमने मैच करके बनाया, स्क्वायर। सेकंड है हमारी ट्रायंगल। थर्ड है हमारी सर्कल। एंड फोर्थ है हमारी रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल शेप। तो हमने यहाँ पे सारी शेप्स बना दी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर एज इंस्ट्रक्टेड ब्लो। तो बच्चों देखिए, आप सभी को ये पिक्चर आप सभी को अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है और कलर करना है। तो देखिए बच्चों, सर्किल, सर्किल में हमें येलो कलर करना है। सर्किल आप सभी को पता है ये वाली शेप होती है। ट्रायंगल में ग्रीन शेप, ट्रायंगल आपकी ये वाली शेप होती है। रेक्टेंगल में ऑरेंज शेप, रेक्टेंगल हमारी ये शेप होती है। एंड स्क्वायर में रेड कलर, तो स्क्वायर हमारा ये शेप होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम येलो कलर से। तो चलिए इसमें करेंगे हम येलो कलर। तो आप सभी बच्चों इस तरह से पिक्चर पहले अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। सभी ड्रॉ कीजिए मेरे साथ साथ, ध्यान से करिएगा। और जितने भी बच्चों आपको सर्किल में पिक्चर में सर्कल्स दिख रहे हैं, आपको सभी सर्कल्स में येलो कलर करना है। और येलो कलर बच्चों आप सभी को नहीं पता है, तो देखिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आप सभी पहचाने कौन सा होता है येलो कलर। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रायंगल में हमें ग्रीन कलर करना है। तो चलिए ग्रीन कलर करते हैं हम ट्रायंगल में। शेप्स आप सभी को पता चल गई होंगी कि कौन कौन सी शेप्स होती हैं। ठीक है, तो ध्यान से बच्चों आप सभी इसमें फिल करेंगे कलर। नेक्स्ट है बच्चों रेक्टेंगल में ऑरेंज कलर। रेक्टेंगल में हमें करना है ऑरेंज कलर। तो एक रेक्टेंगल है हमारा, ओनली वन, तो इसमें हमने करा ऑरेंज कलर। ओके, देन स्क्वायर में हमें करना है रेड कलर, तो स्क्वायर में हमने करा रेड कलर, ये हमने कर दिया। ओके, आया सभी को समझ में अच्छे से बच्चों? ये हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने इसकी शेप से रिलेटेड यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, लाइफ स्किल। लाइफ स्किल डेली रूटीन मैच द फॉलोइंग, योर डेली रूटीन एंड टाइम। आपका डेली रूटीन, खाना आप कितने बजे खाते हैं, सोते कब हैं, ब्रश कब करते हैं, स्टडी कब करते हैं, तो आपको ये मैच करना है। देखिए खाना हम खाते हैं 2 o'clock, सोते कब हैं 11 o'clock, ब्रश कब करते हैं 7 o'clock एंड स्टडी 10 o'clock। ओके, नेक्स्ट संस्कार शाला,
बर्ड्स नेवर गिव नेस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, दे जस्ट टीच देम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग. फूड आइटम, ड्रिंक होममेड सॉफ्ट ड्रिंक लाइक लेमन वाटर, सिरप, जूस, जलजीरा एक्सेट्रा. एक्टिविटी, लिस्ट द नेम ऑफ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर रूम. बच्चों आप सभी को रेक्टेंगुलर शेप के जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको आपके रूम में दिखाई देंगे आप उन सभी का यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे, नेम लिखेंगे. स्पोर्ट, जंपिंग रोप. डेली रूटीन, इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट इन योर डेली रूटीन. बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम. तो देखिए बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है. उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से. बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.